शिक्षा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। से करवा फ्रॉम मैकेनिकल फ्रंट, और जो टेक्निकल पार्ट था वो मीडियम था, तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन थे, उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल थे नहीं। और अगर आप जनरल अवेयरनेस से आते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री के सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ जनरल क्वेश्चन आएंगे अभी से रिलेटेड, 2020 से रिलेटेड। और अगर आप सबसे पहले वाले पोर्शन में बात करते हैं तो वो काफ़ी ईजी था, ठीक है। उसमें जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड उनको चेंज करना होता है उसके ऊपर क्वेश्चन से, या अगर आपको अल्फाबेटिकल जो जितने भी क्रॉसिंग ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस में? जनरल अवेयरनेस में मतलब जैसे कुछ पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन थे, कुछ हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे कि बायस पर रिजर्व कितने हैं क्या है। और बेसिकली 2020 में जैसे कुछ 2000 उसके जनरल इस समय जो करंट चल रही है, करंट नॉलेज, उसके ऊपर। करंट अफेयर्स के करीब कितने क्वेश्चन आए होंगे? करंट अफेयर्स के कम से कम होंगे 7 to 8 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ। और इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? नहीं, ऐसे तो एक्चुअली वो क्वेश्चन पूरे याद नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे पिछले सालों के पेपर्स के कंपैरेटिवली इस साल का कैसा था? इस साल का इजी था। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस। कट ऑफ कितनी जाएगी आपके हिसाब से? मैकेनिकल में कट ऑफ 180 के आसपास जाने की जा रहा। मेरा नाम नदीम है, मैंने अभी मैकेनिकल स्ट्रीम का पेपर दिया है। मोस्टली जो क्वेश्चन थे ना वो थर्मल और फ्लूइड पार्ट से थे, रीजनिंग वगैरह ना वो सिंपल ही, उसमें नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और जनरल अवेयरनेस में से हिस्ट्री बहुत कम थी, एक दो क्वेश्चन, बाकी सबका एवरेज था, जो भी पॉलिटी वगैरह है, फिजिक्स में से क्वेश्चन थे 9, 10 बेस। पिछले साल और इस साल में कोई ज़्यादा कंपेरिजन नहीं है, बस इस साल ये है कि पिछले साल क्या था ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे, इस बार है ना न्यूमेरिकल बहुत कम आए, एक या दो न्यूमेरिकल थे, बाकी सारे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे इसमें। जनरल अवेयरनेस में किस तरह के क्वेश्चन थे? जनरल अवेयरनेस में मिक्स थे, उसमें साइंस के भी थे उसमें, और जो करंट जो बिल हैं कौन गवर्नर वगैरह है, हिस्ट्री से बहुत कम थे मैम। करंट अफेयर्स चल रहा है ना पिछले लास्ट 2 or 3 मंथ, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं था। मेरा नाम नवीन है और मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, और जो मैंने दो क्वेश्चन अटैम्प किए हैं 155 के अप्रोक्स किए हैं। तो अब के बाद ये जो पेपर था बहुत ही मतलब आसान था, टेक्निकल क्वेश्चन से देखे जाएँ तो बॉयलर से ज़्यादा पूछे गए थे, बॉयलर एसेसरी से ज़्यादा किए गए थे। और जो हमारा जीएस जीके है उसमें हमारा करंट अफेयर ज़्यादा। पिछले सालों के कंपैरेटिवली इस बार इजी था या टफ था ज़्यादा? इजी था। माय नेम इज सुनील शर्मा, ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट टेक्निकल पोर्शन बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन वॉज प्रैक्टिकल टच, दैट इज बॉयलर एफिशिएंसी, किस बॉयलर में क्या यूज करते हैं, कितना ट्यूब है, और मोस्टली पेपर वॉज थ्योरेटिकली, इवन यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू टच अ पेन। पेन टच करने की जरूरत पड़ी जहाँ पे एक एफिशिएंसी पूछा गया, तो वहाँ हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए कैलकुलेट के लिए पेन का जरूरत पड़ा एक दो क्वेश्चन में। फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्टली डेफिनेशन उसने दे दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद पूछता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, बोल दो यार बोएंसी की है, जो कि उसने दिया था, फुल डेफिनेशन दिया था, मैं तो क्या ही बताऊँ, बता भी दूंगा। उसके बाद में आता है कि पेल्टन की एफिशिएंसीज भर भर के दिया था, बॉयलर्स के क्वेश्चन भर भर के दिए थे, बॉयलर्स को ये बोल के कि इस बॉयलर में कितना प्रेशर होगा तो कितनी एफिशिएंसी होगी, इस बॉयलर में कौन सी ट्यूब होगी। आते हैं रीजनिंग और ये आपका एप्टीट्यूड, तो भैया रीजनिंग और एप्टीट्यूड में देखो टाइम तो लगता ही है, वही काम हुआ है, क्वेश्चन ईजी थे, क्वेश्चन टफ नहीं थे, जिसने वहाँ टाइम सेव किया होगा उसने क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट किया होगा। अगर आपने वहाँ टाइम बचा दिया है तो आपने टेक्निकल उड़ा दिया होगा, टेक्निकल में ज़्यादा टाइम लगा नहीं होगा, जिसने वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया उसका पेपर छूट गया होगा। कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके हिसाब से प्रिपरेशन के लिए? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है तो कोई भी एक दो चैनल, पर्टिकुलर एक चैनल को फॉलो मत करो, पर्टिकुलर एक चैनल आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा, 2-3 चैनल को आप फॉलो करो। अब आप आते हैं कि करंट अफेयर्स कैसा आया, तो करंट अफेयर्स इस तरह का आया कि उसने पूछा कि चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ कौन बनाया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ कौन है जो अभी हमारा डिफेंस का लेकर मोदी जी ने चेंज किया है, तो बिपिन रावत को ही उसने पूछा है, मुकुंद
मुकुंद नरवणे नाम दिया था और चीफ जस्टिस मुकुंद नरवणे नरवणे नाम दिया हुआ था। एक तो नाम ऐसे दिए थे जो मोस्टली करंट अफेयर अभी चल रहे हैं, ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पैटर्न में कोई चेंजेस? पेपर पैटर्न में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक था पेपर पैटर्न वही था जैसा आता है। और ये थर्मो का जो पोर्शन था ना, थर्मो फैमिली को भर भर के दिया है। टेक्निकल में बात करें तो थर्मो फैमिली भर भर के दिया हुआ है। और टॉम का क्वेश्चन बहुत हल्का सा टच किया हुआ था, कुछ ज़्यादा नहीं था।